खरगोन जिले में समग्र स्वच्छता के तहत नगर को स्वच्छ बनाने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष लोगों को प्रेरित करने के लिए अकेले ही सड़कों पर उतर गई। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह नगरपालिका अध्यक्ष ने बस स्टैंड परिसर का निरीक्षण किया, जहां जगह जगह गंदगी फैल रही थी उसे लेकर लोगों को समझाइश दी। साथ ही नगरपालिका के कर्मचारियों को फटकार लगाकर यात्रियों की सुविधा के लिए छोटी छोटी दुकानों को हटाने के सख्त आदेश दिए हैं। इस दौरान अध्यक्ष छाया जोशी ने बताया कि स्वच्छता के क्षेत्र में वे खरगोन को अव्वल दर्जा दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी हैं और यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। सुबह से मैं शहर का वातावरण देखने के लिए निकली हूँ कि कहाँ पर गंदगी है और किस टाइप का, मतलब वहाँ का वातावरण है, जो कहीं पब्लिक कुछ वहाँ पर बोल रही है कि यहाँ गंदगी है तो यहाँ ये देख लो। मुझे, मैंने सोचा कि आज विजिट कर लेती हूँ कि बस स्टैंड जाऊँ। बस स्टैंड पे मैंने देखा कि कहीं जगह बहुत गंदगी है। बस स्टैंड पे पेड़ लगे हुए थे उनको कटवाना, या नालियों का पानी जो सफाई नहीं हो रही है, सफाई कर्मचारी नहीं कर रहे, उनको कर्मचारियों को सफाई कर्मचारी के लिए बोला ताकि ये ना खरगोन की स्वच्छता दिखे। और क्या है कि बस स्टैंड ऐसी जगह है जहाँ पर हर व्यक्ति आता है और वहाँ देखता है कि खरगोन का बस स्टैंड कैसा है। इसके लिए मैं आज विजिट करने निकली थी ताकि ये विजिट में मुझे पता चले कि मैंने जो पिछली बार जो काम बताए थे वो हुए कि नहीं हुए, उसको देखने के लिए मैं आज निकल गई थी। मैं सोच रही हूँ कि जब आधी जगह में दुकान लग जाती है और यात्री परेशान होते हैं, इसके लिए उन दुकानों को हटाया जाए। क्योंकि क्या बड़ी बड़ी दुकानें मतलब चार बाई चार, पाँच बाई पाँच, छः बाई छः ऐसी दुकानें लगा के रखी है तो क्या होता है कि यात्रियों को परेशानी होती है। और क्या वहाँ पर जो चने की और इनकी भी जो लगी है दुकानें, क्या करता है व्यक्ति, वहीं खाता है, वहीं पन्नी फेंक देता है। पॉलीथीन का भी मैंने उपयोग करने का मना किया कि कभी आज के बाद मुझे पॉलीथीन दिखी तो मैं आप पे चार्ज करूंगी। आज मैं छोड़ रही हूँ लेकिन आइंदा अभी कभी छोड़ूंगी नहीं। कर्मचारियों को भी आपने फटकार लगाई? बिल्कुल, कर्मचारियों को बोला आप अपने काम सही तरीके से करा करो, क्योंकि क्या होता है कि कर्मचारी जब तक नहीं जाएगा और मुझे उसका बेनिफिट नहीं दिखेगा तो मैं बोलूंगी उन तक ये कर्मचारी अपना काम सही ढंग से करें। क्या स्वच्छता को लेकर खरगोन शहर में? बिल्कुल, स्वच्छता को लेकर मैं बहुत जागरूक हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अपना खरगोन शहर स्वच्छ और बिल्कुल इतना क्लीन और अच्छे से दिखे, क्योंकि मैं नाली और नाले निर्माण भी अभी करवा रही हूँ। मेरे को जहाँ जहाँ लग रहा है कि ड्रेनेज नाले है और जो नालियों का पानी नहीं सुचारू रूप से जा रहा है, उसके लिए भी मैं आज काम में लगी हूँ और मेरा काम भी शुरू हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।